मुर्शदी शहनशाह फकर हजरत सूफी मसूद सरकार रहमतुल्लाह ले जिनका पिछले 26 नवंबर को विसाल हुआ था, आज सरकार के विसाल का दिन भी है। ये आज का दिन 26 नवंबर तुम्हारे पीर मुर्शद उनकी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वजीफा अल्लाह ने फरमाया कि लोगों मैं भी दुरूद पढ़ता हूँ। भाई खुदा भी कोई अमल कर, हर कोई तो अल्लाह को राजी करने की कोशिश करता है, कोई रातों को दिन को, कोई तहज्जुदें पढ़ रहा है, कोई वज़ाइफ कर रहा है, कुसर कर के रात कर रहा है, और सब कुछ करके इबादत रियाजत करके फिर क्या अर्ज करते हैं, या अल्लाह ये कबूल फरमा दे। फिर क्या है, कबूलियत की मोहताज है हम। सब कुछ कर लिया, नमाजें भी पढ़ ली, वजीफे भी किए, लेकिन मौला कबूल फरमाएगा, तेरी जात फरमाएगी तो फिर ही फायदा होगा ना इन चीजों का। तो हर कोई अल्लाह की तरफ रजू करके बैठा हुआ है, सब अमल करके भी उसकी रहमत के मुताबिक है। तो अल्लाह की जात फरमाते हैं, हर मखलूक की तवज्जा मेरी तरफ है और मेरी तवज्जा अपने हबीब की तरफ है। तो अल्लाह फरमाते हैं, मैं तुम्हें रास्ता बता नहीं रहा, समझो मेरी बात, कि जिसकी खातर हर दुनिया हर कोई उसकी इबादत करता है वो वहदा शरीक की जात है, वही इबादत के लायक है। हर एक को झुकना पड़ेगा, हर कोई झुकेगा तो उस पर अल्लाह की रहमत होगी। कोई अकड़ दिखाएगा, तकब्बर दिखाएगा तो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाएगा। तो अल्लाह फरमा रहा है, मैं तुम्हें बता नहीं रहा अल्लाह की जात, कि हर कोई मेरी तरफ रुजू करता है, मेरी इबादत करता है। तो ऐ लोगों, मैं तुम्हें अपना इजहार मोहब्बत करके बता नहीं रहा। इन्नल्लाह व मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ लोगों, मैं भी दुरूद पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते भी पढ़ते हैं जो अनगिनत है। तो ऐ मोमनो मोमनो, ऐ अपनी जान माल औलाद इज्जत घर बार हर चीज से बढ़कर मेरे रसूल से मोहब्बत करने वालों, मोमनो अब इन चीजों से तुमने हर चीज से बढ़कर मेरे हबीब को महबूब रखा है, अब पढ़ो दरूद, अब पढ़ो सलाम, तो अब तुम्हारे दरूद और सलाम की फजीलत ये होगी कि जिब्राईल भी बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, हुजूर मैं दुनिया में पूरी रुए जमीन पर हर दरख्त के पत्तों को गिन सकता हूँ, और पूरी रुए जमीन पर जितना पानी है उसके कतरे बना दिए जाए मैं सबको गिन सकता हूँ, और जितने रेत के जर्रे रेत मौजूद है मैं उन सब रेत के जर्रों को गिन सकता हूँ। फिर अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप पे दरूद पढ़ता है कौन, जो अपनी जान माल नाम इज्जत हर चीज से बढ़कर जिसने रसूल खुदा को महबूब रखा, जब वो दरूद पढ़ता है तो जिब्राईल अर्ज करते हैं, हुजूर उसको जितनी नेकियां अल्लाह की जात अता फरमाती है मेरे अंदर वो ताकत नहीं, मैं उस बंदे की नेकियों को गिन सकूं। ये मोमिनों की दरूद की फजीलत, दरूद और सलाम भी भाई कबूलियत उसकी है जो आका को हर चीज से बढ़कर महबूब रखता है, मोहब्बत करता है। हमारे पीर मुर्शद पूरी दुनिया तक पहुंचाया और करोड़ों एक लोग नहीं ना हजार लाखों तो हमारे पीर भाई हैं, अनगिनत हमारा सिलसिला है 200 मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह, और करोड़ों लोग रोजाना बारगाह रिसालत में क्या अर्ज करते हैं, जो हमारे पीर मुर्शद ने मेहनत की, कोशिश की 63 बरस। हर बाकी भी आपकी बहुत खिदमत है, लेकिन मैं आपको क्योंकि दुरूद सलाम की बात हो रही है, ये सलाम जो लिखा है फ्लैक्सिस ने, हमारे पीर मुर्शद ने इतना फैलाया अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों के दिलों में इश्क मुस्तफ़ा ऐसा पैदा किया, अल्लाह का इश्क ऐसा पैदा किया फरमाया, जिस तरह आप नमाज अपने ऊपर फर्ज समझते हो ना, ये दुरूद पढ़ना भी अपने ऊपर फर्ज ही समझो, कि रोजाना बारगाह रिसालत में हाजिरी लगवाया करो। हाजिरी कैसे लगवानी, लिखा हुआ है कि सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आपकी बारगाह में हमारा सलाम हो। फिर आ गया सलात व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, ऐ अल्लाह के हबीब आपकी बारगाह में हमारा सलाम। सलात व सलाम अलैका या नबी अल्लाह, ऐ अल्लाह के आखिरी नबी आपकी बारगाह में हमारा सलाम। सलात व सलाम अलैका या रूफ रहीम,
ऐ रौफ रहीम आका आपकी बारगाह में हमारा सलाम हो। अस्सलामु अलैका या अस्सलातु या रहमतल लिल आलमीन। क्या तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर हमारे आका तशरीफ लाने वाले हमारे आका आपकी बारगाह में हमारा सलाम। भाई जब आका की बारगाह में तो मोहब्बत से सलाम पेश करे भाई, ये तो रहमत लिल आलमीन की जात है। जब हम करें सलाम अलैक हुजूर आपकी बारगाह में सलाम, तो आका एक मरतबा ही फरमा दे, एक मरतबा ही फरमा दे कि वा अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बस समझ ले आप पर अल्लाह की रहमतें बरकतें उसी वक्त शुरू, क्योंकि रसूल खुदा को ही फरमाते हैं जो अल्लाह फरमाता है।